हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी। दोस्तों, आज मैं आपको ली 52 के फ़ायदे और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप भी जानना चाहते हैं ली 52 के फ़ायदे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बात करते हैं ली 52 के उपयोग की। इसका इस्तेमाल वायरल हेपेटाइटिस में होता है, जिसका मतलब है कि लीवर में सूजन आ जाना, और एल्कोहल डिसीज़ में भी ली 52 का उपयोग किया जाता है। यानी जो लोग अल्कोहल जैसे कि शराब का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और लीवर की कमजोरी के लिए ही ली 52 टैबलेट का उपयोग किया जाता है। एनोरोक्सिया में भी ली 52 का उपयोग किया जाता है। एनोरोक्सिया एक ईटिंग डिसऑर्डर है, और ली 52 टैबलेट का उपयोग भूख न लगने पर भी किया जाता है। ली 52 और अन्य रोगों में भी काम आता है, जैसे कि फैटी लीवर, जॉन्डिस यानी पीलिया। तो यह थी वो बीमारियाँ जो कि ली 52 से रिलीव होती है। अब बात करते हैं कि जो हम मेडिसिन ले रहे हैं वो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालती है, यानी कि जो हम ली 52 की मेडिसिन ले रहे हैं वो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालेगी। 52 में बहुत से पदार्थ यूज़ होते हैं, जिनमें दो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें नंबर एक है कासनी और नंबर दो हिमसा। इन दोनों में एंटीवायरल एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी होती है, और एंटीवायरल एक्टिविटी भी प्रजेंट होती है। जो लीवर में वायरस उपस्थित हैं उन्हें शरीर से बाहर करती है, जिसे एंटीवायरल एक्टिविटी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं ली 52 के खुराक की। तो बच्चों में टैबलेट दिन में 4 बार, यानी कि एक टैबलेट को हम दिन में 4 बार दे सकते हैं, और बड़े इसका उपयोग दिन में 2 बार या 3 बार कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो भी दवाई ले रहे हैं डॉक्टर की सलाह से लें, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई न लें, क्योंकि ये शरीर पर आपके बुरा प्रभाव डाल सकती है, जो कि आपको नुकसान भी दे सकती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।